योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से अगले 72 घंटे तक जीएसटी विभाग की छापेमारी पर रोक लगा दी है। योगी आदित्यनाथ ने आदेश देते हुए कहा कि अगले 3 दिन तक जीएसटी विभाग की टीम उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में छापेमारी नहीं करेगी। आपको बता दें कि पिछले करीब 20 दिनों से जीएसटी विभाग की छापेमारी उत्तर प्रदेश में जारी है, जिसकी वजह से यूपी के विभिन्न इलाकों में व्यापारियों के भीतर भारी रोष व्याप्त है। काफी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के काफी महत्वपूर्ण बाजार बंद हैं। लखनऊ में होगी हाई लेवल की बैठक। बताया जा रहा है कि इसका असर केवल व्यापारियों पर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ ने अगले 72 घंटे के लिए जीएसटी विभाग की छापेमारी पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि इन 3 दिनों के भीतर लखनऊ में कोई हाई लेवल बैठक हो सकती है, जिसमें जीएसटी विभाग के अधिकारी और उत्तर प्रदेश के बड़े उद्योगपति व व्यापारी शामिल होंगे। व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष ने योगी से की थी मुलाकात। मिली जानकारी के मुताबिक जीएसटी विभाग की छापेमारी के खिलाफ व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र जैन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। यह मुलाकात गोरखपुर में हुई थी। रविवार को योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे और इसी दौरान मुख्यमंत्री ने पुष्पेंद्र जैन से कहा था कि किसी व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हम इसका कुछ समाधान निकालेंगे। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आदेश देते हुए अगले 72 घंटे तक जीएसटी विभाग की छापेमारी पर रोक लगा दी है।